नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरिओम। हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे, दे दे मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेगा, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस, 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा अच्छा, वो ना हो तो कम से कम एक म्यूनसिपालिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे। हैं, इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्यूनसिपालिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे। आज बोलता है वो हपची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे। गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा मुकंद। हाँ, एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाए, ये मोटे मोटे पेट हुए उनके। बोल मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। नहीं सुधरे गई। मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद बोल। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजाजी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तो सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के? आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्यूनसिपालिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने, सबको पता है चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्यूनसिपालिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्यूनसिपालिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। उसको बोलो कि पूजा पाठ बंद करे, और खाना हो तो नाश्ता तैयार है। आज वो किशन जी से 3-4 शिकायतें ज्यादा कर रहा था। माँ, भैया की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। भगवान ही जाने इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी, क्या कहा किशन ने, कुछ देगा?
बात तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या? कल रात को तुम्हारे बाबूजी को सोते सोते 2 बज गए थे। अरे तो उनको बोलिए ना टाइम से सोने के लिए। हाँ, पर रात भर तुम लोग महफिल सजा के बैठोगे तो कैसे सोएंगे वो। तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ, तुम भी देखो, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत है। स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले आना। वो ठीक है। ए सुनो, वो नए आईवे के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए, चेक मिले नहीं? अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर 1,00,000 रुपया ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपये उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो 1,000 रुपये देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ, माँ। हाँ? उबले हुए अंडे दो, मुझे 2 चाहिए। लाती हूँ। आओ, थके हुए से क्यों लग रहे हो? पिछले 2-3 दिन से सुहास बेटे की नौकरी कर रहा हूँ ना, घूमना फिरना हो रहा है बहुत, इसलिए। हाँ हाँ, भाग दौड़ करो, पैसे छापो, जब तक सही ढंग से कमा रहे हो ठीक है। अरे राव, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुंबई में है जी, मैं उसकी ट्रांसफर यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बिना लाठी के तो वो चल नहीं पाती, अब उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जी। काका जी कॉफी। हाँ? माँ ने कहा है, आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस, कॉफी काका जी। हाँ हाँ बेटे, जीते रहे। एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप भी चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा, क्यों?